अनुराग ओझा देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी लगातार दो बड़े नेताओं ने दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना वो तथाकथित रूप से अगर उनकी सही से जांच पड़ताल की जाए तो कहीं ना कहीं से अपराधी निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए नेता प्रतिपक्ष अगर आप होते विपक्ष से और आपको कांग्रेस का लोग धमकी देता तो मुझे लगता है इस सर पे हाथ रख के मैं गरीब माँ का बेटा हूँ इसलिए मुझको कांग्रेसी धमकी दे रहे हैं, अगर मैं पिछड़े का बेटा ना होता तो कांग्रेसी मुझको धमकी ना देते, मैं आदिवासी माँ का बेटा हूँ। महाराज बिलबिलाने लगते नरेंद्र मोदी जी। आज आदरणीय राहुल गांधी जी को जब धमकी दी जा रही है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी बता रही है कि इनको जो संरक्षण मिल रहा है ये वही से मिल रहा है। अगर देश के बाहर देश के दूसरे देशों के सरजमी पर जाकर के आप सिखों का अपमान कीजिए और आप ये कहिए तो पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता है, काला नहीं पहनने दिया जाता है, ये कहां तक सही है? बिल्कुल अपमान है, अपमान है, अपमान है, अपमान, बिल्कुल अपमान है। किसान को खालिस्तानी किसने बोला था? किसान को खालिस्तानी बोला था किसने? बोला था बताइए, किसने बोला था? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, किसने बताया? भाजपा ने बोला था। महिलाओं का अपमान किसने किया? भाजपा ने किया। पत्रकारों का अपमान किसने किया? भाजपा ने किया। और तमाम देश के लोगों का अपमान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बोला था ना, कहाँ गई इनकी लमतरानी? मिर्गी आने लगा क्या आपको? इनकी लमतरानी कहाँ गई आप बताइए? नहीं, सवाल तो ये है ना, जो आप देश के सरदार को एक कौम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? उन्होंने क्या कहा कि क्या आने वाले समय पर राहुल गांधी बदनाम क्यों कर रहे हैं? चिल्लाने से आवाज, राहुल गांधी बदनाम क्यों कर रहे हैं? चिल्लाने से आवाज दबा देंगे, आप बताइए, चिल्लाते बहुत, बताइए, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी जो पेश कर रही है यहाँ पे वो असली पेशकश नहीं है। राहुल गांधी की पूरी स्पीच को आप सुनिए। उन्होंने कहा कि क्या आने वाले दिनों पर सरदार पगड़ी बांध पाएगा, कड़ा पहन के गुरुद्वारे में जा पाएगा? सवाल उनका ये था। सुनिए, मैं पूरा स्पष्ट करूंगा, आप बोलिए मत। आज के समय पर मुसलमान होना कितना बड़ा अभिशाप है भारत में, ये देश का मुसलमान बहुत बेखुबा समझता है कि दाढ़ी रखना और टोपी लगाना। आज का मैंने देखा है 50% मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि कहीं अगर हमने दाढ़ी और टोपी रखी तो मुझे कहीं चेतन सिंह अगर ट्रेन में मिल गया, अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा किस प्रकार से उस चाचा को मारा गया, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। खालिस्तानी मुसलमानों सरदारों को बोला जाता है, सरदारों को खालिस्तानी बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी तथाकथित रूप से बोलने का काम करती है, तो आने वाले समय पर ये ऐसा ही माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश की आवाज उठाने का और बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो उनको धमकियां मिलेंगी। लेकिन धमकियां मैं आपको बता दूं कि धमकियां इंदिरा जी को दी गई और मार दिया गया, राजीव जी को दी गई मार दिया गया, गांधी जी को दी गई मार दिया गया। तो अब राहुल गांधी जी अगर देश के लिए शहीद होना पड़ा तो राहुल गांधी जी पीछे हटने वाले नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। आप राहुल गांधी जी राहुल कानून पर भरोसा कर रहे हैं, फिर आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? हम लोगों को संविधान पर विश्वास है, पूरा यकीन है कि हम लोग कोर्ट में जरूर जाएंगे। ये कुख्यात अपराधी, अपराध तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन ये अपराधी है जो धमकी दे सकता है वो मार भी सकता है। अभी आपने देखा होगा दो दिन पहले कांग्रेस की एक प्रवक्ता है राम राज्य से आती है, बनारस से, जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र लगता है, रोशनी जायसवाल, उनको एक भाजपा का कार्यकर्ता बलात्कार करने की खुलेआम धमकी दे रहा है पोस्ट करके। तो ये राम राज्य में भी हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कि पहले धमकी देते हैं बाद में मार देते हैं। लेकिन एक कौम को आप बदनाम करते ही रहेंगे, उसको मतलब बदनाम करना नहीं छोड़ेंगे? क्या हमने बदनाम कर दिया एक कौम को? एक कौम को हमने क्या बोला? फिर धमकी दिए तो फिर सुधार क्यों नहीं जाते? लगातार क्यों देश विरोधी बातें कर रहे हैं? आपने देखा कैलाश विजयवर्गीय की, देख लीजिए कई ऐसे बड़े नेता है लगातार कह रहे हैं देश विरोधी लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों का अपमान करता है, बोलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा देता है, वो देश विरोधी है? या जो बेटियों बहन बेटियों का हाथ थामता है वो देश विरोधी है? बताइए, जो किसानों को अपने साथ में लेकर चलता हो वो किसान विरोधी है, या जो किसानों का अपमान करता हो वो किसान विरोधी? तय आप कीजिए। भाजपा नेता ने धमकी दी है, सुधर जाओ राहुल गांधी। हम नहीं सुधरेंगे, मैं आपको बता दूं, उन तमाम नेताओं को बता दूं कि हम लोग सुधरेंगे नहीं, हम लोग सवाल करेंगे। राहुल जी को चाहे मार दो, चाहे अनुराग ओझा को मार दो, सुनिए साहब, सुनिए, इंदिरा जी को 3600 गोलियां मारी गई, राजीव जी के चिथड़े उड़ा दिए गए, तो राहुल गांधी उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के पोते हैं। साहब डरने वाले नहीं, राहुल मरने आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप लोग कितना भी कोशिश कर लीजिए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं, बिल्कुल। देश के लिए अगर
प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो राहुल गांधी जी पीछे नहीं हटने वाले, जान दे देगा, बिल्कुल जान देंगे। अगर वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे देश के लिए शर्त मौत का लगाए बैठे हैं। अगर हम सत्ता से सरकार से सवाल पूछेंगे तो इस सरकार के लोग हमको मरवा देंगे उससे। कब तक दलाली करेंगे राहुल गांधी जी? ये दलाली नहीं है साहब, अगर वतन की मैं बात कर रहा हूँ और आपको दलाली लगती है तो मैं दलाली करता रहूंगा। अगर गरीब की, अगर गरीब की बात उठाना, गरीब की बात करना दलाली है तो मैं दलाली करता रहूंगा। अगर युवा की बात करना आपको दलाली लगता है तो मैं दलाली करता रहूंगा। अल्पसंख्यक की बात करना अगर दलाली लगता है तो मैं दलाली करता रहूंगा। दलित पिछड़ा आदिवासी की बात करना अगर आपको दलाली लगता है तो अनुराग ओझा दलाली करता रहेगा। अगर आपको लगता है कि महिलाओं की बात करना दलाली है तो अनुराग ओझा दलाली करता रहेगा। अगर पत्रकारों के हक अधिकार की बात करना आपको दलाली लगता है तो यह दलाली करता रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ना आपको दलाली लगता है तो अनुराग ओझा दलाली करता रहेगा। भाजपा के नेता से डर गए आप? देखिए, भाजपा के नेता से अनुराग ओझा नहीं डर सकता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने दो बार डराने की कोशिश की, दो दो FIR की। अनुराग ओझा नहीं डरा, डट के खड़ा है। और राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, डरो मत, मोहब्बत करो। तो मोहब्बत करने वाला डर नहीं सकता है, और हम तो मोहब्बत करने वाले लोग। अरे टी शर्ट बदलने लगे हैं डर के मारे राहुल गांधी, एयरपोर्ट पे आते ही रंगीन टी शर्ट में आ गए। आपको दिक्कत है, आप भी तो रंगीन मिजाज में घूम रहे हैं। आपका रंगीन टी शर्ट हो जाए तो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी अगर टी शर्ट बदल लें तो उससे आपको दिक्कत है। पहन तो टी शर्ट ही रहा है ना, पहन तो टी शर्ट ही रहा है ना, और उस टी शर्ट में, उस युवा के टी शर्ट में इतना जोश है, इतना जोश है कि कई भाजपा के नेता उस युवा के दीवाने हैं। फिर मोदी जी लिबास बदलते तो दिक्कत आता है आपको? नहीं, एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं। 10 लाख का वो टी शर्ट थोड़ी है महाराज, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और बेशरम आदमी बोलता है झूठ, और आप उसकी दलाली कर रहे हैं। एक गरीब घर का आदमी अगर 10 लाख का सूट पहन रहा तो इससे आपको क्या दिक्कत? तो आप भी तो गरीब घर के आदमी हैं, आप कह नहीं 10 लाख क्या सवाल इनको यार, पत्रकार किसने बना दिया? ठीक तो सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप भी अगर आप गरीब हैं, अंबानी का लड़का है, आप गरीब हैं, अंबानी का लड़का है, आप गरीब हैं, अंबानी का लड़का है, अंबानी का लड़का, आप अंबानी का लड़का है। शकल से तो आप लग रहा है कि फटी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो आपने कहा ग्रीन टी शर्ट बड़ी अच्छा पहने हुए थे, राहुल गांधी ने दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर अगर 10 लाख का सूट पहनना गरीब है तो मैं भी चाहता हूं कि मोदी जैसा मैं भी गरीब बन जाऊं, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के तमाम अहले वतन के साथी मोदी जी जैसा गरीब बन जाए कि वो भी 10 लाख का सूट पहने। साहब देखिएगा, अगर गरीबी रेखा में देखिएगा तो शाम को कई लोग हैं जिनके मुंह में निवाला नहीं जाता है, और वो आदमी मशरूम पे मशरूम चाबता है। कई आदमी इस देश के हैं जो रात को बिना भैया कपड़ा के सो जाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन में 10 बार कपड़ा बदलने का काम करते हैं। कई लोग इस देश के हैं जो बिना चप्पल के कांटों पर चल रहे हैं, रोडों पर चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का बूट पहनते हैं। मैंने एक चीज देखा, आप भी 35 साल जाके भीख मांगिए, मैंने देखा है इस देश में कि आज भी लोग बिना चश्मे के, बिना आंख के इलाज के मर जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी लाखों का चश्मा पहनते हैं। देश के युवा के पेन पे 18% की GST लगा के 5 लाख का पेन कोचने का काम कर रहे हैं। देश के लोगों का टाइम खराब कर देने के बाद में 10-10 लाख की घड़ी पहनने का काम करते हैं। आखिर ये कब तक होता रहेगा महाराज? जानबूझकर राहुल गांधी मरना चाहते हैं सिंपैथी के लिए? सिंपैथी के लिए नहीं, देश के लिए अगर मरना होगा तो राहुल गांधी जी भी मरेंगे और तमाम इस देश के लोग भी मरने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने इस देश के लिए शहादत दी थी। आप भूलिए मत, आप एक मुसलमान पत्रकार हैं, आप भूलिए मत, बहादुर शाह जफर के बेटों को मार दिया गया और अंग्रेजों ने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो उन्होंने माफी नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मुझे गर्व है उस उन मुसलमानों में, और मुझे शर्म आती है आप जैसे लोगों को। मुझे शर्म आ रहा राहुल गांधी पे, जानबूझ के मरना चाहते हैं सिंपैथी के लिए? सिंपैथी के लिए नहीं, देश के लिए, क्योंकि वो देश की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, देश के गरीब पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक और सौण समाज की आवाज उठा रहे हैं। और अगर इसके लिए राहुल गांधी को प्राणों की आहुति देना पड़े तो राहुल गांधी पीछे हटने वाले कदापि नहीं। अरे सबको साथ लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, जिसमें मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। कहे छोड़ दिए फिर आपको भटकने के लिए, कहे छोड़ दिए फिर। गांव में हमारे होता है छुट्टा पशु, सांड होता है ना, उसको मालिक क्या करता है, छोड़ देता है और फिर दूसरे का खेत खाने का काम करता है। तो वैसे ही पत्रकार है, उसी सांड की तरह हो गया है कि अभी फड़फड़ा रहा है। इसको इसके साहब ने छोड़ दिया है, इसको इसके साहब ने छोड़ दिया है। अभी दूसरे के खेत में जाता है और उठाता है, लेस लोटा लेस छोटा। साहब उकर्म मत कीजिए, उकर्म मत कीजिए कि आपको भी
कुछ लोगों की तरह भुगतना पड़े। ये बिलबिलाने का और ये चाटुकारिता करने के लिए कितना रुपया मिलता है राहुल गांधी से आपको और कांग्रेस पार्टी से? दुनिया जानती है कि चाटुकारिता बहुत जानती है दुनिया आपको। ये जनता तय कर देगी, ये जनता ही तय करेगी। अनुराग ओझा आपने कहा जो देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आपने कहा है नहीं है नहीं, इस देश में ब्राह्मण ब्राह्मण भी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं है, दलित पिछड़ा आदिवासी किसान तक सुरक्षित नहीं है। मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका रोटी देश की जनता को भटका रहे हैं, जिसका आप जैसे लोग देश की जनता को भटका रहे हैं। आप बताइए जनता कैसे समझेगी, आप बताइए। चलिए प्रधानमंत्री मोदी जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी पर बात नहीं करेगा, प्रधानमंत्री 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 अपमान करेंगे, मोदी जी का अपमान करेंगे, मोदी का अपमान, मोदी देश है, देश की हम बात कर रहे हैं और आप मोदी जी का देश। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी है, हैं मोदी जी कौन है आपके? देश को विश्व गुरु बना मोदी जी सबके प्रधानमंत्री है, आपके भी है, मेरे भी है, देश की जनता के भी है। युवा के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, युवा के प्रधानमंत्री नहीं होते थे। अगर युवा के प्रधानमंत्री होते तो अग्निवीर जैसी योजना न रहते, अगर वो महिलाओं के प्रधानमंत्री होते तो महिलाओं को मणिपुर में आजाद करवा देते, अगर मोदी जी किसान के प्रधानमंत्री होते तो किसानों को साहब उनके ऊपर आंसुओं के गोले न बरसाते, अगर मोदी जी दलित पिछड़ा आदिवासी के प्रधानमंत्री होते तो उनके आरक्षण को खत्म करने की बात न करते, अगर मोदी जी अल्पसंख्यक के प्रधानमंत्री होते तो मोदी जी दाढ़ी और टोपी देखकर मारने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते। अगर मोदी जी इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात, वह शासन तेरा खेल ईमानदार को होगी जेल। अगर हम अपने हकों अधिकार की बात करते हैं तो भाजपा ही लोग, अगर मोदी जी मन की बात में किसानों की युवाओं की महिलाओं की बात अगर करते हैं तो आप लोग बिलबिला जाते हैं, मिर्ची लग जाती है। आपका ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, आपका ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, इससे ब्याह का क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ, बताइए ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं जो पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। मतलब आपके पास अगर अनुराग ओझा के पास सवालों का जवाब नहीं है, अनुराग ओझा के पास सवाल का जवाब नहीं, जवाब दीजिए, जवाब अनुराग ओझा के पास, अनुराग ओझा के पास नहीं है। सुधीर चौधरी जैसा, सुधीर चौधरी जैसा, सुनिए सुधीर चौधरी जैसा 500 पत्रकार आ जाए तब भी अनुराग ओझा सवालों से, तो सवाल से भटक के पर्सनल क्यों आ रहे हैं? गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड और वाइफ और विवाह का क्या मतलब है? कनेक्शन यही से स्टार्ट है, बताइए कनेक्शन यही से, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यही से स्टार्ट, क्या कनेक्शन है बताइए? बता रहा हूँ, है गर्लफ्रेंड की नहीं है? नहीं है, बताइए। तब तो आप बेकार आदमी है, जिसके पास आज के डेट में गर्लफ्रेंड नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, नौकरी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है। मेरे पास नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन गर्लफ्रेंड है ना, तो गर्लफ्रेंड से मन की बात कीजिए ना, सुनिए, गर्लफ्रेंड से मन की बात कीजिए, आम आदमी से नहीं, आम आदमी से हक अधिकार की। मेरे गर्लफ्रेंड है, मैं अपने गर्लफ्रेंड से मन की बात करता हूँ, मैं देशवासियों से मन की बात करूंगा, देशवासियों से जन की बात करूंगा, देशवासियों से वास्तविक मुद्दों की बात। मोदी जी अपनी मेहरारू को काउंट करके देश की जनता के लिए सोचते रहते हैं पूरे दिन रात, अपनी मेहरारू को देश में हो या विदेशों में हो, 17 घंटा काम करते हैं और आप कहते हैं कि वो शेर है, 56 इंच का छाती है ना, बोलते हैं आप लोग। अब बताइए शेर कब शिकार करता है? जब उसको भूख लगी होती है। अगर वो शेर है तो वो 18 घंटा काम नहीं कर सकते। गधा को चाहे 18 घंटा काम करवाइए या 20 घंटा काम करवाइए। अब अपमान करेंगे मोदी जी का? मैंने शेर और गधा बता रहा हूँ मोदी जी, आपको लगता है मोदी जी गधा है? नहीं, मोदी जी की छाती 56 इंच की है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी छाती 56 इंच की है। मुसलमानों को तो आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी, कहाँ पे मुसलमानों को तो मौका दे रहे हैं। अच्छा, देश में सुरक्षित है मुसलमान। टोपी ये सही किया है, टोपी नहीं लगाए हो, नहीं तो कितना आगे तुमको बढ़ा देते ही मालूम है। सीधा कनेक्शन वहां से होता है, यहाँ से वहाँ, समझ रहे हैं ना, वही कनेक्शन किया जाता है। बिल ला रहे हैं भाई, देखिए वक्फ बोर्ड बिल जो है उसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि मुसलमानों का वो हक और अधिकार है और हम किसी भी सरकार को वो हक और अधिकार छीनने नहीं देंगे। मोदी मतलब अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों के? बिल्कुल। कैसे? मैं आपको बता दूं कि हमारे अयोध्या में सेना के लिए जो जमीन अलर्ट हुई थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने औने पौने दाम में बेचकर अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया। मैं नहीं चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड बिल पास हो और मैं अपने सर्वोच्च न्यायालय से और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि इस बिल का पुरजोर विरोध कीजिए और वक्फ बोर्ड बिल जो है उसको कैंसिल करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों को बात है, डर के क्या सवालों से? जब अगर मुसलमानों की बात मोदी जी सोचे, बिल लाए मुसलमानों के लिए, तो अनुराग ओझा ऐसे हाथ जोड़कर भाग जाएंगे? देखिए अनुराग ओझा भागता नहीं है, अनुराग ओझा तब तक
मुसलमान भाइयों के साथ में खड़ा रहेगा, हिंदू भाइयों के साथ में खड़ा रहेगा, ब्राह्मण भाइयों। क्या दिक्कत है अनुराग ओझा, ये तो बता दीजिए क्या दिक्कत है? आप पहले जेब कतरा थे क्या? हमारी बात को काटने का एक्सपीरियंस आपको बहुत है, बात काट रहे हैं आप हमारी। मैं बता रहा हूँ कि ये मुसलमानों का हक और अधिकार है, आपसे कह दूं कि ये घड़ी हमको दीजिए, छीनिए छोड़िए चलो जाइए, इस पे आपको कोई अधिकार नहीं है, चोरी नहीं कर रहे हैं, ये घड़ी हमारी है, चलिए आपका इस पे कोई हक अधिकार नहीं है। आप तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? मैं लूंगा, वापस लूंगा आपसे। वापस लेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये आपका है ये आप वापस लेंगे। तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो मदरसा बनाने के लिए होती है, तालीम बनाने के लिए होती है, मस्जिद बनाने के लिए होती है, स्कूल बनाने के लिए होती है, हॉस्पिटल बनाने के लिए होती है, इस घड़ी को बेचकर अनुराग ओझा की अय्याशी करने के लिए नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुमराह कर रहे हैं? गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान बहुत जानकार आदमी है, मुसलमान इस देश का 20% मुसलमान नहीं सुधरा तो अनुराग ओझा नहीं सुधरेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मुसलमान जानता है कि अनुराग ओझा बांटता है जुड़ता है तमाम मुसलमानों के। अरे दलालो, मैं अपने 20% मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने वक्फ बोर्ड के बिल के लिए डेली एक ट्वीट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों के लिए आप कितने दिए हैं संपत्ति? भागता नहीं है, लीजिए अपना अपना सामान, भागू।